वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगेन मैं एक नए वीडियो लेकर आई हूँ naukri.com पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं naukri.com से, रिक्रूटर पोर्टल से। ओके, उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा होम पेज है, जैसे आप देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल का, एम्प्लॉयर साइट का, जो एम्प्लॉयर जो बाय करते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है वो पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल। मैं इसमें आप देख सकते हैं कि शुरू में 6 टैब्स आपको दिखाई दे रही है, होम, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सेज, रेस्टेक्स, RMS और CSM, रिपोर्ट्स, रेफरल और IJP। इन सब के बारे में मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे हम डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे हमने किसी सर्च के थ्रू बहुत सारे CVs हमने निकाल के रख लिए हैं और हमें उन सबका डेटा चाहिए, डेटा एज इन अगर हम वो डेटा डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास एक आएगी एक्सेल शीट निकल के आ जाएगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल एड्रेस होगा, उसकी करंट कंपनी का नाम होगा, उसका करंट पैकेज होगा, नोटिस पीरियड की डिटेल्स होंगी, यानी कि ऑल इन ऑल जो सारे डिटेल्स हमें naukri.com पर दिखाई देती हैं, वो सारे डिटेल्स हमारे पास डाउनलोड होकर के एक शीट में आ जाएंगी। ये डेटा हम मोस्टली यूज़ करते हैं मार्केटिंग टीम को देने के लिए या फिर अपने किसी पर्पज़ के लिए। जैसे हमें अभी किसी अभी कुछ CVs की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेटर ऑन पढ़ सकती है, तो हम उसको एक फोल्डर में कलेक्ट करके रख लेते हैं, बाद में जब भी हमें उस डिटेल्स की, उस डेटा की ज़रूरत होती है, तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। हम जाएंगे होम पर। होम पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तो सेव्ड सर्चेज हैं, आपको सेव सर्चेज दिखाई देंगे। ये जो पोर्शन है, जो भी हम सर्च लगाई है, जो सेव करी है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। ये है हमारी सेव्ड फोल्डर। ये चीज़ मैं आपको भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ कि ये चीज़ हम कब यूज़ करते हैं। हम जाएंगे रेस्टेक्स पर, सेव्ड सर्चेस में जाएंगे। एक मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ। ये हमारी एक सर्च लगी हुई है, सेव्ड है, इसको सर्च करते हैं। ये आ गए हमारे सब CV। अब मान लीजिए हमें ये सारी CV जो भी हैं, हमें इनकी सारी डिटेल्स चाहिए एक शीट में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें हमें चाहिए एक शीट में। तो हम क्या करेंगे, हम ये इसको चेक इन कर देंगे, सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपको ये 4 टैब्स दिखाई दे रही हैं, ऐड टू, ईमेल, SMS, सेट रिमाइंडर। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड टू पर। ऐड टू पर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फोल्डर। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जो आपके पास फोल्डर खुल के आया है ना, इसमें एक ऑप्शन इधर आपको दिख रहा है क्रिएट न्यू, एक यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट अ फोल्डर। अब आपको जो मैंने होम पेज पर जो फोल्डर वाला ऑप्शन दिखाया था ना, वो यही था। ये जितने भी हमारे फोल्डर्स में सेव्ड जो डेटा है वो हमारा होम पेज पर दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें से कोई फोल्डर सिलेक्ट करना है तो आप इसमें से कर लीजिए और सेव कर लीजिए। चलिए पहले हम यही करते हैं। हमने इसमें से फर्स्ट फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, सेव कर लिया। अब क्या हुआ है कि हमारे जितना भी, ये देख रहे हैं आप, 1 of 6 पेज, इस पेज पर जितने भी हमारे CVs का डेटा है वो उस फर्स्ट फोल्डर में सेव हो गया है। अब हम बैक जाएंगे होम पर। ये देखिए हमने इसमें किया था, मतलब ये जिस भी नाम से है इसमें हम जाएंगे, इसमें हमारा वो सेव हो गया, लेकिन अभी तक हमने डाउनलोड नहीं किया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हम यहाँ पर 160 हमने सिलेक्ट कर लिया, ये सारे ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आप, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड का, 4th टैब है यहाँ से, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पर एक फाइल में कलेक्ट हो जाएगा। ये है वन प्रोसेस, अगर आपका फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके लिए। अब मैं आपको दूसरा प्रोसेस दिखाती हूँ, जिसमें आपको सेव फोल्डर में सेव नहीं करना है डेटा, बल्कि आपको एक नया फोल्डर बनाना है और उसमें अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, पहली जो हमारी सेव सर्च है उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, सारे CV सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड टू में जाएंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। इस बार हम और क्रिएट न्यू करेंगे, यानी कि हमें नया फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट कर लेना है किसी भी नाम से। मान लीजिए मैंने अपने नाम से एक कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है, दैट 40 रिज्यूमेज हैव बीन मूव्ड टू न्यू फोल्डर अंजलि क्रिएटेड बाय यू। अब देखिए इसमें सिर्फ इस पेज पर 40 CVs हैं, मतलब यहाँ पर हमने सिलेक्ट नहीं किया। अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते ना तो 40-60 हम कितने भी कर सकते थे, बट एज ऑफ नाउ हमने यहाँ पर 40 CVs अंजलि फोल्डर में सेव कर लिए हैं। अब हम जाएंगे अपने
होम पेज पर। होम पेज में आप देखिए आपका एक फोल्डर बन गया है अंजलि नाम से, इस पर क्लिक करेंगे, सारे CVs सिलेक्ट करेंगे और फोर्थ टैब पर जाएंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि हमें जब भी कोई डेटा, पर्टिकुलर डेटा चाहिए होता है, हम उसको एक सेव्ड फोल्डर में कैसे स्टोर करते हैं और एक नया फोल्डर बनाकर कैसे स्टोर करते हैं। डिलीट का ऑप्शन आता है, आप इस डिलीट हो जाएगा, शेयर पर जाएंगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू शेयर दिस फोल्डर? जैसे जिस अब क्या होता है कि जो हमारा एक रिक्रूटमेंट का जो पोर्टल होता है ना naukri.com का, उसमें हमारे यूज़र और सब यूज़र होते हैं। यूज़र जो होता है वो एक हेड यूज़र होता है जिसके पास सारी एक्सेस होती है। एक होते हैं सब यूज़र जिनको हेड यूज़र जो चाहे वो लिमिटेड एक्सेस दे सकता है, सभी एक्सेस भी दे सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द हेड यूज़र। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर करेंगे तो जितने भी हमारे सब यूज़र होंगे ना तो वो उनके साथ शेयर हो जाएगा, ये उसके लिए है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, कैसे हम डेटा कैसे डाउनलोड करते हैं आपको पता लग गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।